मिली जानकारी के अनुसार थाना महावन क्षेत्र के गांव रमचैलिया का रहने वाला एक 25 वर्षीय मंदबुद्धि युवक घूमते हुए थाना राया क्षेत्र के गांव अर्जुनिया पहुंच गया, जहां एक अज्ञात मंदबुद्धि युवक को गांव में घूमता देख ग्रामीणों ने 112 नंबर को सूचना दी। सूचना मिलने पर 112 नंबर पुलिस गांव पहुंची और मंदबुद्धि युवक को अपने साथ थाना राया ले गई, लेकिन रात में यह युवक थाने से निकल गया। आज शाम को थाना राया पहुंचे परिजनों ने युवक के बारे में पुलिस से जानकारी ली तो पता चला कि वह थाना राया से भी गायब हो गया है। युवक के भाई जुमराज ने बताया कि उसका भाई मंदबुद्धि है और वह घर से निकल गया, जो घूमते घूमते गांव अर्जुनिया पहुंच गया। यहां से 112 नंबर को उसके भाई को थाना लाकर छोड़ दिया गया, लेकिन थाना राया से उसका भाई कहीं गायब हो गया है। क्या नाम है आपका? सोमराज। तो थाने आयो, क्यों आयो, क्या मामला? थाने इसलिए आया हूं साहब, मेरा भाई है, रमचैलिया का रहने वाला हूं मैं। मेरा भाई थोड़ा दिमाग से बुद्धि, थोड़ा सा कम बुद्धि है उसके अंदर जी। वो अर्जुनिया के पास गांव में आ गया, वहाँ पे जो गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी 112 पे जी। और वहाँ से ये पुलिस लेके आई है। कौन सी गाड़ी लेके आई थी? ये 84 1894 फिर हाँ, ये गाड़ी वहाँ से लेके आई है और वहाँ से यहाँ थाने पे लाके सुपुर्द कर दिया है। और ये यहाँ से इन्होंने लापता कर दिया, ये बता नहीं रहे थाने वालों ने। थाने वालों ने। अच्छा, तो अभी तक कोई सूचना लग पाई है? कहाँ है तुम्हारा भाई, कैसे? हाँ, कोई सूचना नहीं लग पाई है। अच्छा, कितनी उम्र होगी उनकी? 25 साल। कितनी, क्या नाम है उनका? लालन। अच्छा, हाँ, कल निकाल के दे देंगे कहीं होगा जहाँ से। तो इन लोगों ने जैसे यहाँ थाने पे आए थे तो आप लोगों को, परिवारजनों को सूचना नहीं दी? नहीं दी, वो जानते नहीं है ना, वो नाम जानते नहीं, नहीं। तो वो नाम पाम बताना नहीं। का नाम जानता है वो मेरा भाई। अच्छा।